हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब जीरो ने म्योना से कहा था कि तुम ये डब्बा सर से उतारो। म्योना बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं, मेंटेन भी वहाँ पे नहीं है जो जीरो को रोके। सब स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं। काफी सोचने के बाद म्योना डिसाइड करती है कि वो अपने फेस से बॉक्स उतारेगी। वो डरी सहमी हुई है पर वो आहिस्ते आहिस्ते बॉक्स को सर से उतारती है। स्टूडेंट्स उसे देख के हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बदसूरत नहीं, फिर क्यों ये अपना फेस छुपा रही थी। म्योना जीरो से कहती है कि अब तुम्हें खुशी मिली ना, तुम यही चाहते थे ना। जीरो शर्मिंदा होकर म्योना के भाई को छोड़ देता है और वो फौरन अपने ग्रुप मेंबर से कहता है कि आज के बाद तुम लोगों की शिकायत मुझे ना आए। जो पैसे तुम सब ने स्टूडेंट से लिए हैं वो वापस करो। अगर तुम नहीं सुधरे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह के जीरो म्योना की तरफ देख के कहता है कि तुम भी यही चाहती थी ना। म्योना दुखी है क्योंकि वो समझती है कि जीरो ने उसके साथ सही नहीं किया। वो जीरो को बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। जिसके बाद जीरो वहां मौजूद स्टूडेंट से कहता है, क्या यहां नाच गाना चल रहा था जो तुम सब जमा थे? जल्दी से यहां से दफा हो जाओ। जख्मी ब्रदर दुखी म्योना जब आते हैं तो मेंटन की नजर उन पे पड़ती है। वो दोनों से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ है। म्योना सदमे में है, वो बिना जवाब दिए मेंटन से गले मिलती है और वो खूब रोती है। मेंटन समझ जाता है कि जरूर जीरो ने फिर से उसे बुली किया है। म्योना इमोशनल होते हुए कहती है कि सब ने मेरा अगली फेस देख लिया है, अब मैं क्या करूं। दरअसल म्योना उस टाइम से खुद को अगली समझती है जब से उसके क्रश ने उसे अगली कहा था, पर सच ये है कि वो बिल्कुल भी अगली नहीं है, ये उसका वहम है। बहरहाल मेंटन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। रात को जीरो म्योना के घर आता है। वो विंडो से उसके घर में दाखिल होता है। जब म्योना अपने रूम में आती है तो वो विंडो को ओपन देख के डर से जाती है। वो विंडो को बंद करती है, डरी तो वो पहले से हुई है। म्योना को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जिसके बाद वो मजीद डर जाती है। इससे पहले कि म्योना जोर से चीखती, जीरो एंट्री मार के उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहता है कि ये मैं हूँ, अब चुप करो वरना तुम्हारे फादर आ जाएंगे। म्योना उससे पूछती है कि क्यों आए हो यहाँ। बैड बॉय जीरो के लिए माफ़ी मांगना आसान नहीं। वो हिम्मत करते हुए म्योना से कहता है कि मुझे माफ़ करो। माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती की थी और तुम्हें कहा था कि तुम बदसूरत हो। सच तो ये है कि तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैंने तुम्हें रुलाया है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज के बाद कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। म्योना जीरो की बातें सुन के हैरान और परेशान होती है, वो इसलिए कि उसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। बहरहाल जीरो दिल हल्का करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद म्योना सोचती है, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही है, क्या वाकई जीरो ने उसे सॉरी बोला है। उसके बाद म्योना को सारी रात नींद नहीं आती, उसे जीरो की कही बातें याद आती है। वो अपना लैपटॉप ऑन करती है तो उसकी फ्रेंड उससे चैट करती है। वो उससे कहती है कि म्योना तुम तो खूबसूरत हो, आज तुम क्यूट लग रही थी, तुम अपना फेस मत छुपाया करो। म्योना उसकी बात पे बिलीव नहीं करती पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अगर तुम बिलीव नहीं कर रही हो तो अभी अपना फेस मिरर में देखो, तुम खुद जान जाओगी। ये सुन के म्योना कंफ्यूज हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। बिल आखिर वो शेल्फ से मिरर निकालती है लेकिन वो डर भी रही है क्योंकि वो खुद को काफ़ी सालों से अगली समझती आई है। जब म्योना आईने में अपना फेस देखती है तो थोड़ी हैरान होती है, उसे ज़रा सा एहसास होता है कि वो तो बदसूरत नहीं है।
नेक्स्ट डे म्यूना को उसके फादर स्कूल छोड़ने जाते हैं। पहली बार बिना डब्बा पहन के वो स्कूल में दाखिल हो रही है। सब उसे देख रहे हैं। उसका ब्रदर उसके साथ है। म्यूना उसे कहती है कि सब घूर घूर के मुझे ही क्यों देख रहे हैं। ब्रदर कहता है कि वो इसलिए कि तुम क्यूट लग रही हो। बॉक्स उतार के पहली बार आओगी तो सब तुम्हें ही तो देखेंगे ना, सबकी आंखें तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ ना। तभी वहीं पे मेंटन आता है और वो म्यूना को अजीब वे से देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम क्यों इतनी बदसूरत हो। म्यूना कहती है कि सुबह सवेरे दिल दुखाने वाली बातें मत करो। मेंटन कहता है कि मैडम मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो वाकई ब्यूटीफुल हो। देखो सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम फेमस बन गई हो। सब के सब बताओ ये लड़की क्यूट है ना। मेंटन हंसी मजाक करते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। म्यूना की फ्रेंड आके उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से जीरो पीछे हटा है। स्कूल में म्यूना की मुलाकात होती है एक स्कूल गर्ल से। वो लड़की क्लास 10 की प्रेसिडेंट है और वो बहुत खूबसूरत भी है। उसकी मोटिवेशनल बातें सुन के म्यूना खुश होती है। उसके बाद म्यूना की फ्रेंड आके उसे बैड न्यूज देती है कि जीरो फिर से स्टूडेंट्स को तंग कर रहा है, तुम चल के देखो। दूसरी तरफ जीरो स्टूडेंट्स से कहता है कि क्या तो माफिया हो, बेहुदा कमेंट्स मत करो पेज पे वरना ठीक नहीं होगा। जीरो उनको डांट ही रहा होता है कि तभी म्यूना वहीं पहुंच जाती है। जीरो उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, देखो ये सब तुम्हारे बारे में गलत कमेंट्स लिखते हैं, मैं इनको सबक सिखा रहा हूँ। म्यूना कहती है क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था मुझसे कि तुम किसी को बिला वजह परेशान नहीं करोगे। जीरो कहता है कि मैं इनको धमका नहीं रहा हूँ बल्कि समझा रहा हूँ। सब के सब सुनो, आज के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स म्यूना के अगेंस्ट हुआ तो मैं उसे अपना दुश्मन नंबर 1 समझूंगा। म्यूना जीरो से कहती है कि बहुत हो गया, मैं यहाँ अमन के साथ पढ़ना चाहती हूँ, मैं ट्रबल नहीं चाहती हूँ, इन सब को छोड़ दो। जीरो ऐसा ही करता है। वो स्टूडेंट से कहता है कि दफा हो जाओ इससे पहले कि मेरा मीटर घूम जाए। सब के सब जाओ, म्यूना मैडम को शांति चाहिए, शांति। सब स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। मेंटन वहाँ से जाना नहीं चाहता पर उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है। जीरो म्यूना से कहता है कि तुम तो गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। म्यूना कहती है कि तुम जोर जबरदस्ती करना छोड़ दो। जीरो कहता है नहीं छोड़ सकता। म्यूना कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। जीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो, मैं तुम्हारी लाइफ में हर जगह मुदाखलत करता रहूँगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, देखो आगे होता है क्या। म्यूना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेंटन जीरो से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम म्यूना का पीछा छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। जीरो कहता है अच्छा केयर करना तुम्हारे बस की बात नहीं, म्यूना का केयर अब से मैं खुद करूँगा, तुम बीच में मत आओ। जीरो और मेंटन अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं और यहीं पे थर्ड पार्ट एंड होता है। ड्रामे में लव ट्रायंगल का चक्कर शुरू हो चुका है। देखना होगा क्या बैड बॉय जीरो म्यूना का दिल जीतेगा या कूल मेंटन को म्यूना चूज करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।